Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. So, thought of the day is, अगर किसी की तुलना में आपको सफलता के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बनाने से ज्यादा वक्त बंगला बनाने में लगता है। और ये आप में से बहुत से बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि मैम हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत टाइम पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते, सारा दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते, टेस्ट से पहले या पेपर से पहले सारा आता होता है और क्वेश्चन पेपर देख के मैं भूल जाता है। तो उससे क्या होता है, बेसिकली आप लोग पढ़ना छोड़ देती हो कि हाँ हम पढ़ते थे, हमारे मार्क्स नहीं आते थे और अब हम क्यों पढ़ें। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो काम कर रहे हो वो करिए, पढ़िए, बिकॉज दिस इज अ बेस्ट टाइम। और क्योंकि इस माहौल में स्पेशली जब क्लासेस नहीं लग रही है, कॉलेज ओपन नहीं है, स्कूल ओपन नहीं है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो आपके पास पूरा टाइम है अगर वेट लेस करने के लिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और अपना जो बेसिक है वो कवर कीजिए। जैसे आप प्लस टू क्लास के हैं तो आपका बेसिक अगर 11th का कुछ कवर नहीं है तो पहले वो कवर कीजिए और फिर 12th क्लास के टॉपिक्स कवर कीजिए, तो आपको इजी लगेगा। बट पढ़ना कभी मत बंद कीजिएगा। स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चे 11th 12th में आते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है पर कई बार मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि उनका जो वे ऑफ स्टडी होता है वो शायद डिफरेंट होता है। तो आपको बेसिकली समझ के करना है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट और उसके बाद पढ़िए, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। बट हाँ, ये देखना कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ा और फिर भी मेरे नंबर नहीं आए, और मेरा कोई फ्रेंड है वो बहुत कम पढ़ा था फिर भी उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो डोंट कंपेयर विद एनीवन। अपना काम जो कर रहे हो वो करते रहिए, यू विल गेट सक्सेसफुल। बट बी डिसिप्लिन्ड, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर। So, topic of the day is free block elements, halides of oxygen family, class 12th. So, topic is formation of halides. The member of oxygen family form halides which are covalent in nature. तो जो हमारे पास oxygen family के elements हैं वो जब halogen family के साथ combine होते हैं तो जो compound बनाते हैं वो covalent nature के होते हैं। इसी तरह हमने nitrogen family में पढ़ा था कुछ compound ionic होते हैं, कुछ covalent होते हैं। और इसमें दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ है और एक टाइप है अदर देन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलूरियम। तो फर्स्ट आ गया ऑक्सीजन के साथ जो हैलाइड्स बनते हैं, विद फ्लोरीन OF2, विद क्लोरीन Cl2O, Cl2O5, Cl2O7, विद ब्रोमीन Br2O, Br2O3 एंड विद आयोडीन I2O5। तो ये जो हैलाइड्स है ये ऑक्सीजन बनाती है। और अब हम देखेंगे हैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो अदर एलिमेंट्स में सल्फर, सेलेनियम और टेलूरियम देखेंगे, तो ये भी वैरायटी ऑफ हैलाइड बनाते हैं हैलोजन के साथ। एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस, बट जैसे जैसे कहते हैं हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इस ट्रेंड में देखो तो आयोडीन तक जाने में साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है एलिमेंट की या मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन एलिमेंट की वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एलिमेंट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उतने हैवी साइज पार्टिकल को अटेन कर पाए। तो उसके लिए 4, 5 और 6 हैलाइड्स को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हैलोजन का साइज इंक्रीज होने के कारण जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब टाइप ऑफ हैलाइड्स, देर आर 4 टाइप ऑफ हैलाइड्स, हेक्साहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स एंड मोनोहैलाइड्स। हेक्साहैलाइड नेम से पता लग रहा है, मींस 6 हैलोजन्स होंगे और 1 सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। टेट्राहैलाइड में 4 हैलोजन्स, डाइहैलाइड में 2 हैलोजन्स एंड मोनोहैलाइड में 1 हैलोजन। और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स बनेंगे और ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हेक्साहैलाइड, जिसमें हमारे पास 6 हैलोजन्स होंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सिर्फ फ्लोरीन ऐसा हैलोजन है जो ये बॉन्ड बनाता है विद 1 सेंट्रल एटम, हेक्साहैलाइड फॉर्म करता है विद द ऑक्सीजन फैमिली विद द फॉर्मूला MF6, वेयर M इज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, F इज फ्लोरीन। So, with the octahedral structure and hybridization is sp3d2 and the stability of hexa fluoride decreases as we move down the group because of increasing size, we can say this is a trend
जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये है स्ट्रक्चर MF6 का, सेंटर एटम चेंज करोगे और बाकी फ्लोरिन एज सच वैसे ही रहेंगे। और ये कौन सी शेप है? ऑक्टाहेड्रल। और अब क्वेश्चन है व्हाई दिस ट्रेंड इज लाइक दिस, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रीजन क्या है इसका? एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड द बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस विच लीड्स टू द इंक्रीज इन रिएक्टिविटी और डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। और इसके कारण जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी कम हो जाए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में है। देयर फॉर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही हाइड्रोलिसिस करेगा। और वी कैन से ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये लेस स्टेबल था, और ये हमारे पास मैक्सिमम स्टेबल था तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, जिसके कारण TeF6 हाइड्रोलिसिस करता और प्रोडक्ट बनता है 6HF प्लस H6TeO6। और एक चीज और याद रखने वाली ये है कि फ्लोरीन के अलावा और कोई भी ऐसा हैलोजन नहीं है जो हेक्सा हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट इज टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड मीन्स हमारे पास 4 हैलोजन होंगे। यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा MF4 और यहाँ पे हाइब्रिडेशन आएगी SP3D। और ये शेप जो है ये सीसॉ शेप है, जिसमें हमारे पास एक लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है, और दो बॉन्ड जो है एक ट्रायंगल की फॉर्म में रहते हैं एक लोन पेयर के साथ, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। तो इस तरह से 4 हैलोजन अरेंज होते हैं। सेंट्रल एटम रहेगा फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली, और ये जो हमारे पास टेट्राहैलाइड है ये एक्ट करता है लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंडिंग इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर टू 6। तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक एक्सटेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग अ लोन पेयर। सो SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज, हमने देखा है SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, बट SF4 जो ये बना है ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, इट कैन बी हाइड्रोलाइज। और इसके लिए हमारे पास वाटर ऐड करने पे हाइड्रोलिसिस होगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 4HF प्लस SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई SF4 एग्जिस्ट एज लुईस बेस एंड लुईस एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस बेस की। कोई भी चीज लुईस बेस एक्ट तब करती है अगर वो अपने लोन पे डोनेट करे, तो यहाँ पे SF4 अपने लोन पे डोनेट कर रहा है बोरोन को टू फॉर्म एडिटिव बॉन्ड, और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन होती है और इसमें रहता है एडिटिव बॉन्ड बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर सल्फर, तो SF4 विल एक्ट एज अ लुईस बेस। अब ये लुईस एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है? बाय यूजिंग इट्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वो अपने डी ऑर्बिटल को यूज करके एफ नेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन एफ नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और इस एटम के साथ बॉन्ड बना के SF6 2 नेगेटिव बना लेता है, जिसके कारण ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है और वी कैन से कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर रहा है 6 तक। सो ये लुईस एसिड है। नेक्स्ट है डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स मीन्स हमारे पास 2 हैलोजन आएंगे। दीज आर फॉर्म बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, बट जो डाइक्लोराइड सल्फर का है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है HCl2। द डाइहैलाइड हैव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री SP3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप इज अ बेंट और एंगुलर और विद द सेम वाटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे और वो दोनों लोन पेयर क्या करते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, इसके कारण बॉन्ड एंगल जो है 109 नहीं आ पाता। और यही स्ट्रक्चर सेम वाटर का रहता है, हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ गए हैं और ऑक्सीजन की जगह पे एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। सो ये है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर विद SP3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OF2 एंड SF2 HCl2। सबसे पहले जब भी किसी चीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आफ्टर दैट ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ पे पहले OF2 में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टेबिलिटी देखी। तो हमें कितने बॉन्ड बनाने थे? 2 बॉन्ड बनाने थे 2 फ्लोरिन के साथ, तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड इधर बन गया और एक बॉन्ड इधर बन गया, और ये 2 लोन पेयर वेकेंट बच गए। ये 2 लोन पेयर बच गए जो हमारे पास डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1s और 3p यूज हो रहे हैं। इस तरह से बाकी डायग्राम आप करोगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज का मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड मींस 1 हैलोजन, तो इसका मतलब 1 हैलोजन है तो 1 ही हमारे पास ऑक्सीजन एटम होगा, बट ये स्टेबल नहीं हो पाता, तो इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक चीज और, जो मोनोहैलाइड्स हैं ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के बनते हैं, और वो भी सल्फर और सेलेनियम के साथ, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स के मोनोहैलाइड्स नहीं बनते हैं। और इसमें जो कॉमन मोनोहैलाइड्स बनते हैं वो क्या है? H2Cl2 और SE2Br2, इसके अलावा और कोई मोनोहैलाइड्स नहीं बनते। तो बाय दिस आई विल फिनिश माय दिस लेक्चर। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।
Thank you. Keep watching, like and subscribe my channel. Share with your friends. And I will meet you in the next lecture. Till then, bye bye.